कोरोना महामारी प्रकोप के कारण वाराणसी शहर में लॉकडाउन का पालन सख्ती के साथ कराया जा रहा है, जिसके कारण प्रतिदिन शहर भर के लोगों, आम जन एवं गरीब परिवार के ऊपर महंगाई की मार दिखती नजर आ रही है। जिस संदर्भ में नगर निगम वाराणसी द्वारा सर्वेक्षित पथ विक्रेताओं के माध्यम से डोर टू डोर उचित मूल्य पर फल सब्जी पहुंचाने का निर्णय लिया गया, जिस क्रम में सामानों का पहला जत्था नगर आयुक्त गौरांग राठी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और बताया कि यह पथ विक्रेता एकदम उचित मूल्य पर डोर टू डोर फल सब्जी की सप्लाई करेंगे, जिसे किसी भी प्रकार से फल व सब्जी के दामों में कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सकेगी एवं सही दाम पर घर घर सब्जी फल पहुंच जाएगा। फेरी पटरी ठेला व्यवसाय समिति के सचिव अभिषेक निगम ने नगर निगम के नगर आयुक्त गौरांग राठी से मांग की कि डोर टू डोर सप्लाई के लिए वार्ड अनुसार ठेला पटरी वालों को चिन्हित कर नगर निगम वाराणसी द्वारा उनका लॉकडाउन पास बनाकर बेचने की अनुमति दी जाए। सर सर अपना नाम पर्चे बताएं। अभिषेक निगम, सचिव फेरी पट्टी ठेला व्यवसाय समिति। ये किस लिए झंडी दिखाएं, क्या वजह है? शहर भर के जनमानस के लिए और शहर भर के जो गरीब पथ विक्रेता हैं और जो पटरी गरीब लोग हैं जिनको उचित मूल्य पे सामान नहीं मिल पा रहा था, आज नगर निगम प्रशासन की ओर से एक सराहनीय कदम उठाया गया नगर आयुक्त महोदय के द्वारा कि जिसमें कि हमारे जितने पथ विक्रेता हैं शहर भर के, वो उचित मूल्य पे खरीद के उचित मूल्य दर पे सभी लोगों को सामान प्रोवाइड कराने का काम करें। नगर निगम के द्वारा जो महत्वपूर्ण बेसिक सुविधाएं हैं, जैसे पानी की सुविधा, सीवरेज सुविधा, साफ़ सफाई की सुविधा, तो इनके अतिरिक्त जो जनमानस को अन्य इस समय असेंशियल सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं, ज़रूरत है, जैसे साग सब्जी घर पे, किराना की जो मांग है, आटा चावल की जो मांग है, तो इसके मद्देनज़र नगर निगम ने ये पहल की कि हमने दो दिन पहले सभी विभागों के जो इसमें नामित अधिकारी हैं, नोडल अधिकारी हैं, सप्लाई के लिए DSO हैं, साग सब्जी के लिए मंडी सचिव हैं और दुग्ध के लिए GM दुग्ध हैं, तो उन सभी को बुला के मीटिंग ली और उनसे जायज़ा लिया कि कितनी डिमांड है क्षेत्र में, जिसके हिसाब से इन असेंशियल सर्विसेज की, असेंशियल चीज़ों की वितरण की ज़रूरत है। तो उसमें मंडी सचिव के बात करने के बाद हमने करीब आज 10 गाड़ियां उनको उपलब्ध करवाई मंडी में और 10 गाड़ियां थोक विक्रेताओं को, हमारे वेंडर्स को, पथ विक्रेताओं को आज उपलब्ध करवाई, जिसमें वे उचित मूल्य पे हमारे 4 जोन कवर करते हुए आज अपनी सब्जियों का वितरण करेंगे। सर, वो किराएदार जो मकान किराए पर लेके रह रहे हैं, इसमें हमने न केवल जो हमारा फील्ड पे स्टाफ है उनसे सर्वे करवा कर यह जानकारी लेकर जो मोहल्ले अनकवर्ड थे उनको कवर किया है, जहाँ पे दुकानें वगैरह नहीं थी या कम थी, उसके अलावा हमारा कंट्रोल रूम भी है और आज हमने अपील करी प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी और आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करेंगे, जो हमारा कंट्रोल रूम नंबर है उस पर डायरेक्ट कॉल करके अगर कोई भी एरिया ऐसा है वहाँ के नागरिक गण अगर हमसे डिमांड करते हैं कि यह छूता है और यहाँ पे सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग वहाँ पे गाड़ी का प्रबंध करके और थोक विक्रेता को लूप में लेकर वहाँ पर इन साग सब्जी, किराना का सामान, इन सब का वितरण सुनिश्चित करवाएंगे। इतना जागरूकता के बावजूद भी कई लोग हैं कि दाम से ऊपर जो सामान है वो बेच रहे हैं, उनको आप क्या हिदायत? देखिए, जो हम लोगों ने नगर निगम की तरफ से लगाई हैं गाड़ियाँ और हम जिला प्रशासन के साथ भी लगातार संपर्क में है, इसमें उसमें समन्वय के साथ ही हो रहा है, तो उचित मूल्य उस पर लगाए भी हैं हमने, पेस्ट किए हैं गाड़ी पर, जिससे कि कोई भी ग्राहक इसमें उसे गलत दाम ना लिए जाए, और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है और DSO का है कंट्रोल रूम है, उस पर डायरेक्ट फ़ोन करके बताया जा सकता है कि
फला व्यक्ति हमको गलत मूल्य पे चीज़ें बेच रहा है, तुरंत उस पर कार्रवाई भी होगी और जिला प्रशासन की तरफ से FIR भी हो रही है। तो उसमें कतई इसमें क्योंकि रेट मूल्य हर दिन प्रिंट मीडिया और आप लोगों के माध्यम से पब्लिक डोमेन में जा रहा है, तो थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा और अगर हम बताएंगे तो तत्काल कार्रवाई का उसमें निर्देश है।